सो राम राम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये देखिए, आपको मम्मा को देखिए पता लग ही गया होगा कि मैं अभी कहाँ पे हूँ। सो या आई एम इन किचन, क्योंकि हम जो है आज मेरी फेवरेट नूडल्स मैगी पे जो है एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। और एक्सपेरिमेंट क्या है, मैं जो है वन ऑफ माई फेवरेट कंट्री कोरिया का फूड जो है ट्राई करने वाली हूँ। एक मैगी तो बेसिक सी चीज़ है, हर जगह पे चलती है खाने में, और मैं इसको कोरियन स्टाइल में पकाने वाली हूँ। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे रिसेंटली एक वीडियो देखी थी जिसमें कोरियन स्टाइल मैगी बन रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मुझे भी ट्राई करना चाहिए। तो अभी मैंने पैन में पानी गर्म किया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर पूरा अच्छे से गर्म हो चुका है, और यहाँ पे हमारा पूरा सामान पड़ा हुआ है जो हमें लेना है। चिली फ्लेक्स बहुत ज़्यादा ही रहेंगे तीखे। एंड अभी मैगी डालने वाली हूँ मैं। चल अभी दूसरा भी डालते हैं, और मसाला हमें अलग से डालना है क्योंकि कोरियन स्टाइल बना रहे हैं ना। सो अभी इसको भी दो पीस में कट करना है, जो कि आई होप सो हो जाएगा। हो गया, अभी ये थोड़ा सा मुझे ASMR करना नहीं आता, तो मैं सच बताऊँ ना, यहाँ पे जो है हमारे गाली धुल चुके हैं। चलो अभी फिलहाल पानी को जो है, बाय बाय। ये देखो यार, छिलके लग गए। चलो अभी हम अपना प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो इसको काटना है, पर उसके लिए ऐसे ही कर लेते हैं, साफ है मेरा घर का किचन। गाइस तो मैंने उल्टा चाकू पकड़ा है, चलिए दुख और मैंने जो वीडियो देखी उसमें एक ही बार में 5 कुछ कुछ करके खत्म हो गए, और मेरे को यहाँ पर एक को काटने में 1 घंटा लग रहा है। घंटे तो नहीं, सेकंड्स लग रहे हैं बहुत सारे। सो चलिए जल्दी जल्दी कट कर। गार्लिक, किस किस को गार्लिक का अचार पसंद है? देखो मैं हर दिन 4-4 पीस खाती हूँ वहाँ से निकाल के। देखो चोरी चोरी भी खाती हूँ, हाँ देखो। और ये बात सुन के मम्मी मेरे को ऑफ कैमरा बहुत पीटने वाली है, क्योंकि मैं चोरी चोरी जो है निकाल के खाती हूँ। एंड मतलब आप देख सकते हो कि कितनी मेहनत करके जब मैंने गार्लिक खाते हैं, तो सर सारे पीसे डाल के अभी फिर भी 2 बच्चे दुख। मास्टर शेफ, सस्ता मास्टर शेफ। तो चलो जल्दी जल्दी से काटती हूँ, और आपको भी जल्दी जल्दी दिखाती हूँ, कहीं मुझे बोर नहीं करना किसी को। ओके चला गया। अभी बहुत ही सेफली, सेफ्टी के साथ आई एम गोना टू मिक्स दिस। इधर पे आके देखो गाइस, सामने वाला लोग देखो, आइए आइए देखिए, आपको दिखाते हैं, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एज यू कैन सी
ओके और अभी जो है मम्मा जो है मेरे लिए नमक निकाल रहे हैं, तो अभी जो है मैं नमक डालने वाली हूँ। हाँ खोल दिया। सो एज यू कैन सी हमारे पास नमक है भर के, और वो छोटा वाला रो रहा होगा कि मेरे को निकाला क्यों आपने। तो चलो पहले डाल देते हैं इसको, गार्लिक को काट के मेरे। गाइज वो मैं उतनी बड़ी शेफी हूँ तो मम्मी कह रही कि थोड़ा सा कम डाल दो, तो इतना काफ़ी होगा मे बी। ओके तो देखिए हमारी मास्टर शेफ ने डाल दिया है इसमें। ओके बस ओके नाउ हमें इसमें टोमेटो केचप ऐड करना है, एंड ऐड करो इन दोनों को। मेरे को बुलाया क्यों तुमने जब मुझे डालना ही नहीं था, ये बोल रहा होगा। एंड ओके इट्स इनफ। सो नाउ इसको बंद कर लेना चाहिए जल्दी से। एंड मैगी मसाला डालने से पहले हमें इसको मिक्स करना होगा, बट किससे मिक्स करें, चलो इस वाले से कर लेते हैं मिक्स। बट आई थिंक कि ज़्यादा स्पाइसी भी हो सकता है, और मैं उतनी स्पाइसी नहीं खाती हूँ, तो ये चीज़ें कर लेते हैं गाइस। चलो ये देखो गाइस, मेरे गार्लिक्स पता नहीं क्यों छुप रहे हैं। मेरी गार्लिक्स की आंखों में चिली गई है ना, इसलिए वो रो रहे होंगे, इसलिए भाग रहे हैं दूर। और अभी ये बड़ा मस्त खुशबू दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, टोमेटो केचप की खुशबू है। तो अभी जो है इसमें हमारा मैगी मसाला जाएगा। कहाँ गया, छुपे हुए थे, इनको जाना नहीं है चिली फ्लेक्स के अंदर। चलो ऑफ कैमरे कोई आया है, और वो कैमरे में आना नहीं चाहता क्योंकि क्योंकि वो है कैमरा शाय, एज यू ऑल नो अवर कंट्री। अब देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है, एंड इसको भी शायद मेरे खाने की खुशबू इतनी मस्त लग रही है कि ये भी खाने आ गया है। ऐसे सच बताऊँ ना, इसको बिल्कुल नहीं पसंद आने वाला जो मैं बनाती हूँ। आ जाइए कल्पित जी, हम आपके साथ वीडियो बनाना चाहते हैं, आइए। कैमरा शाय अच्छे से सब कुछ हो गया है। एंड नाउ सॉस बहुत गर्म है कटोरा, तो मुझे कुछ देखना पड़ेगा, कहीं ढूंढना पड़ेगा। तो अभी मेरे को मम्मा देने वाली है कपड़ा, एंड मैं खुद से व्लॉगिंग करूंगी। देखो आप बस मेरे को देखो। मैं आ रही हूँ ना, कह रही हूँ अच्छे से आ रही हूँ ना, हल्का सा मतलब एक मिनट हाँ डालिए मम्मा। टू स्पून थे ना, हाँ जी। ये तो ऑयल भी जा चुका है, अभी जो है मम्मा फिर से कैमरा लेंगी, एंड मैं आपको इसको मिक्स करते हुए दिखाऊंगी। और असली बताऊँ ना, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा उसमें दिखाया गया था, एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ देख के। हैप्पी 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 हैप्पी। ओके अच्छी कुछ आ रही है, ऑनेस्टली बता रही है। तो नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, अभी हम इस पे जाए मैगी डालने वाले हैं। चलिए मैं बहुत गर्म सो हमें क्या यूज करना था, मैं भूल गई। वेट इससे निकालो। ओके देखिए मेरा महाअस्त्र, मेरा ब्रह्मास्त्र। तो चलो इसमें कितना जीव लगा है। अरे बाप रे, मैं डाल दो। मैं डालती हूँ, चलो मम्मी।
ये लग रहा है जैसे चावल है। बस गिर ना जाए वरना फिर मेरी बहुत पिटाई होने वाली है, इसीलिए जितना हो पाएगा मैं उतना ट्राई करूंगी कि इसमें पानी ना जाए। मेक श्योर अगर आप ही बना रहे तो पानी ज़्यादा ना जाए इसमें। ऐसे मुझे खुद नहीं पता पानी जाना चाहिए कि या मैं ऐसे ही जा रही हूँ। तो चलो प्लीज़ 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 आराम से चला ही गया और थोड़ा सा बच्चा हुआ है अभी भी। चावल जैसी खुशबू आ रही है अंदर। अगर कभी ऐसी मैगी खाओगे ना मूड ख़राब हो जाएगा अगर बिना मसाले खाओगे। जैसे मैं मेरे खाना गार्लिक के अचार के बिना अधूरा है, वैसे ही मैगी अपने मसाले के बगैर अधूरी है। एंड वैसे ही मैं भी आपके सब्सक्राइब के बगैर अधूरी हूँ, तो जल्दी से मेरे को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। हैप्पी 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 गाइस। नीचे हल्का सा ही गिरा वैसे। सो नाउ फाइनली गाइस अभी हमें पता लगने वाला है कि हमारी इतने टाइम की मेहनत खरी उतरने वाली है या फिर सारी मेहनत वेस्ट जाने वाली है। एंड आई होप सो कि खरी उतरनी चाहिए, मतलब अच्छी होनी चाहिए। ओके ओके भी चलेगी, मेरे को बहुत खुशी होगी। एंड हाँ अब मेरे को जो है एक चीज़ जानने दीजिए गाइस जिससे हम इसको मिक्स करना है। मेरे पास सेम वैसा ही है ये। मुझे बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी नाक को। मैं इसको मिक्स करके मिलती हूँ गाइस। आई कैन ऑफ द कैमरा नाउ। मम्मी का हाथ आ रहा है, वही ऑफ कर देती हूँ। ऑफ कैमरा मम्मी से इसको मिलाने के बाद फाइनली 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 हमारी कोरियन स्टाइल मैगी रेडी हो चुकी है। ये डाला था ना हमने, हाँ सॉल्ट डाल दिया था, मैं भूल गई थी। एंड अभी मैं जो है जाके जल्दी से प्लेट लाती हूँ। आप पहचान गए होंगे मैं कौन से गाने की कर रही हूँ, गा नहीं सकती कॉपीराइट। तो अभी जो है मैं जल्दी से इस पर डाल के आपसे मिलती हूँ, एक काम करती हूँ। सो गाइस दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। मेरी मम्मी मुझे मारने वाली है या फिर वो खुश होने वाली मेरे काम से। मुझे फ्लाइंग चप्पल बजने वाली है या फिर मेरे को प्यार मिलने वाला है। मेरी मम्मी मेरे को चुम्मेश्वरी चुम्मिया नहीं दी। ये मोमेंट आप पता लगने वाला है, चलिए देखते हैं। आपको नहीं खिलाऊंगी पहले, क्या अब तक गंदा होगा। गाइस बहुत यम्मी है, मैंने तो रंग लाई गाइस। जितनी यम्मी है उतनी स्पाइसी भी है। स्पाइसी तो बहुत है पर उतनी यम्मी भी है, मुझे बहुत पसंद आ गई है। चलो अभी हनी को भी खिलाते हैं और उसका भी रिएक्शन लेते हैं। चलो चलो इससे रेट देंगे इसको 10 में से। चल खा। मैं इसको मैगी पसंद नहीं है तो बस इसका तीखापन नहीं अच्छा लगा, बाकी तो मैगी है ना तो अच्छी नहीं लगी। अच्छी नहीं लगी क्योंकि मैं मैगी नहीं खाता हूँ। मैं तो कितना रेट हो गया 10 में से? सच बोलूँ तो बहुत, क्योंकि मुझे मैगी अच्छी नहीं। सो हाँ जैसा कि आपने देखा कि हमारी मेहनत किस तरह रंग लगी, मैं तो इसको 9.5 दूंगी एंड हनी इसको दे रहा है 4। तो हाँ ये सब तो चलता ही रहेगा। अगर आपको ऐसे ही और मास्टर शेफ वाली वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय गाइस।